सेकेंड क्लास वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक। बच्चों इंग्लिश ग्रामर की बुक में आज आपका चैप्टर 18 है, पेज नंबर 48 पर। पेज नंबर 48 पर देखिए वॉज एंड वर्ब विद वर्ब प्लस आईएनजी। बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज करना कि हम वॉज वर्ब का यूज कहाँ पर करते हैं और उनके साथ आईएनजी लगाते हैं। उनकी वर्ब की जो फॉर्म होती है क्रिया, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वी यूज आईएनजी विद एक्शन वर्ड कमिंग आफ्टर वॉज और वर। बच्चों वॉज और वर के बाद जो भी एक्शन वर्ड होता है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। शो व्हाट वॉज गोइंग ऑन द ऑन एट सम टाइम्स बिफोर नाउ। अब देखिए यहाँ पर जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन लास्ट संडे। लास्ट संडे मैं क्रिकेट खेल रहा था। देखिए यहाँ पर ही वॉज लर्निंग हिज लेसन यस्टरडे। कल मैंने वह कल पाठ याद कर रहा था। वी वर राइडिंग अवर बाइसाइकल यस्टरडे इवनिंग। कल शाम को हम साइकिल राइड कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर दे वर स्विमिंग इन द पूल यस्टरडे। वे कल स्विमिंग मतलब पूल में स्विमिंग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है। बच्चों जिन सेंटेंस के पीछे रहे थे आते हैं उसमें वॉज और वर्ब का यूज होता है। जैसे बच्चों अगर एक वचन होता है तो उसमें वॉज का यूज होता है, और अगर बहुवचन होता है जैसे दे वी वी का मतलब होता है हम, तो बच्चों बहुवचन हो गया इसमें तो वर का यूज होगा। ऐसे ही यहाँ पर दे दे का मीन्स होता है वे। बच्चों वे भी बहुवचन है तो इसमें वर का यूज होगा, और एक वचन के लिए हम वोज का यूज करेंगे। तो बच्चे आप अपना वर्क अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज वर्क है, ये आप अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।